अच्छा से घर बना रही हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे घर को कैसे बर्बाद कर रहे हो, ये नहीं कि हेल्प कर सको। तो जी अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बट अभी थोड़ा सा हम रुके हैं खाना ना खाने के लिए, और अभी हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं खाने में, तो हमने देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आगे का जो भी खाना आता है मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फटाफट हम घर जाएंगे थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर, फिर उसके बाद हम बाहर घूमने घूमने जाएंगे। तो फटाफट पहले खाना ना ऑर्डर कर लेते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ, और पीछे का नज़ारा ये देख सकते हैं अभी। फाइनली वी रीच हेयर, एंड हमने चेंज वेंज कर लिया, खाना वाना सारा हो चुका है, अब हम फाइनली जा रहे हैं तो विजिट के लिए बाहर। तो अब ये मेरा फाइनल लुक है, और देख सकते हैं आप सामने पूरे बीचेस एंड ये सब चीजें हैं, तो स्टार्ट हो चुका है। एंड आई थिंक आपने अंदाजा लगा लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। सो बहुत प्रीवियस ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप यहाँ होंगे आप वहाँ होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि द राइट आंसर इज गोवा। तो फाइनली अभी हम गोवा में हैं, एंड गोवा का लुफ्त उठा रहे हैं। तो यह है लोकेशन, और हम यहाँ पे हैं अभी इंजॉय करते हुए। तो मैं कैसे लग रही हूँ, कैप के साथ अच्छी लग रही हूँ या विदाउट कैप अच्छी लग रही हूँ, तो आप कमेंट प्लीज लिखिएगा। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, कौन से फोर्ट जा रहे हैं बबू? अगवाड़ा फोर्ट जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, कार निकल रही है, तो फटाक से फिर जाके देख कर आते हैं उसको भी। ये तो बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाती इसके अंदर का व्यू, बहुत ही प्यारा है। मैं पहले भी गई हुई हूँ, बट कोविड की वजह से ये बंद कर दिया है फूड, तो यहाँ नहीं जा सकते हम अब। तो अब हम जा रहे हैं गोवा वाले बीच पे। आपको एक लोकेशन दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज्यादा। तो अब मैं सीधा आपको वो दिखाती हूँ। ये जो पीछे से साउंड आ रहा है, ये पूरा का पूरा सी का जो पानी है उसी का ही साउंड आ रहा है। सो दोस्तों मैं अभी जहाँ पे हूँ ये है अगवाड़ा जेल, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये है, और आई थिंक ये जहाँ तक मुझे पता है 2011 तक जेल थी, यहाँ पे कैदी वैदी रहते थे, और उसके बाद से ही उसको मतलब बंद कर दिया गया, और अभी इसको म्यूजियम बना रहे हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। और एक बार ये म्यूजियम पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर हमें अलाउ किया जाएगा जाने के लिए। तो दोस्तों ये अभी हम इसका पूरा एंजॉय कर रहे हैं, समुंदर के पानी को, लहरों को। इसके बाद अब हम जाएंगे रियल बीच में जो कि है सिकेरियम बीच, एंड फिर वहाँ पे जाके हम एंजॉय करेंगे। मीनवाइल अभी हम बस इसी को देख रहे हैं, इसी को एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। तो जी हवा इतनी तेज चल रही है आप देख सकते हो, और फाइनली मैं भी बीच पे आ चुकी हूँ, तो वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। तो फटाफट जाते हैं बीच की तरफ।
वैसे बीच की हालत अच्छी नहीं हो रखी है, दिखा दूं मैं आपको, ये देखो। पर चलो कोई ना, अब फटाफट देख जाते हैं बीच में, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है बीच। तो बीच को एंजॉय करते हुए अब मैं बस एंजॉय कर रही हूँ और बीच बीच में ग्लिम्स बनाऊंगी। मीन वाइल अभी मैं बस एंजॉय करना है, तो मैं पूरा का पूरा टाइम एंजॉय पे ही रखूंगी। और तो चलो मैं जाती हूँ और एंजॉय करती हूँ और बीच बीच में कुछ ग्लिम्स आपको निकाल के दूंगी इसके। अब मैं बनाने जा रही हूँ मेरा हार्ट जो मेरी बीवी के लिए है। तो चलो चलते हैं बनाते हैं, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। ओ ये तो पहली हो गया। वन सेकेंड और अब मैं अपने बेबू के लिए बनाऊंगी घर। मैंने से घर बना रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम मेरे घर को कैसे बर्बाद कर रहे हो, ये नहीं कि हेल्प कर सको, उल्टा जो बहुत खराब करने में लगे हुए हो। मत करना पहले बता दिया है। बेबी जो और मैं भी हार लिखेंगे हार कर तो जी मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए आप कितना सुंदर व्यू है, बस समुंदर ही समुंदर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसके आगे। और ये देखिए समुद्र का कचरा भी देख लो आप, जो हमने दिया है समुद्र को, तो समुद्र वापस लौटा रहा है हमें। गोवा वाले बीच पे रानी आके नीच के ठंडी ठंडी के पियेंगे, बनिया क्या है जाना, चलो जो भी है करते हुए। सो दोस्तों ये था हमारा सिंकेरियम बीच, अब हम जाएंगे बागा बीच। अब इस बीच को करते हैं बाय बाय टाटा। और वो फिशिंग हो रही है बेबी? हाँ। अच्छा चल, तो चलो चलते हैं दोस्तों। चल 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 चल। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने रूम में, बैक टू द रूम। और फटाफट अब मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि कपड़े हो चुके हैं गीले, बीच में गए थे तो पूरा गीले हो चुके हैं, तो फटाफट चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद हम थोड़ी करने वाले हैं मस्ती, और मस्ती मतलब हमारे कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, हमें यहाँ पे मिल गया एक्चुअली, मतलब हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स थे तो वो लोग मिल गया हमें, वो भी आए थे गोवा। तो फटाफट अब हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा इंजॉय करते हैं शाम को,
तो फटाफट मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद करते हैं शाम इंजॉय, बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, चिल आउट करेंगे। तो चलो ठीक है।